हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा LG का 32 LF550 ATE, ये हमारा मॉडल है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके की इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी लाइट ग्लो हुई थी और हमारी उसके बाद स्टैंड बाय रिलीज हो गया है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें साउंड आ रहा है लेकिन हमारे पिक्चर क्वालिटी नहीं आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पिक्चर हमारी नो सिग्नल दिख रहा है। अगर दिख रहा होगा तो नज़दीक से दिखाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ये देख सकते हैं नो सिग्नल, कहीं कहीं पर बहुत कम इसमें दिख रहा है। और इसकी जो बैक लाइट है वो हमारी ब्लिंक भी कर रही थी, पीछे से कभी तेज़ और थी कभी नहीं और थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो बैक लाइट के वोल्टेज होते हैं उसमें प्रॉब्लम है या हमारे जो बैक लाइट होती है उसमें प्रॉब्लम है, कार्ड में प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम, हम देखते हैं। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सिंपली। मीटर दे बैक से पीला वाला। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मेन बोर्ड है, ये हमारा मेन बोर्ड है, बाकी ये हमारा देखते हैं पावर सप्लाई, और इधर पे हमारा बैक लाइट सेक्शन भी बनाया हुआ है। तो ये हमारा देख सकते हैं इसी में बैक लाइट सेक्शन है, और ये हमारा बैक लाइट यहाँ से देख सकते हैं ये वायर जा रही है अंदर इसके। तो हमको यहीं पर वोल्टेज चेक करने हैं कि वोल्टेज हमारे प्रॉपर हैं या नहीं है, या हमारे बैक लाइट की प्रॉब्लम है, हमें यहीं से पता चलेगा। हमने DC पर रख दिया है इसे 1000 वोल्ट, यहाँ से हमने इसको ग्राउंड दे दिया है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में इसको पावर इन देता हूँ और यहाँ पर ये लाइट हमारी स्टैंड बाई ग्लो हुई और वो चले गई। उसके बाद आप देखना इसमें बैक लाइट चलेगी माइनस की। और अब हम बैक लाइट के वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे 197 और ये मेरा निगेटिव होगा यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट भी चेक करके दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। तो 1967 मेरे आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो वोल्टेज मेरे यहाँ पे स्टेबल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कोई फ्लक्चुएशन वोल्टेज पे नहीं है। बाकी जो मेरे उसके बाद हम यहाँ पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो हमें इस बोर्ड को चलाने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है, ये 3.3 वोल्ट, या यहाँ पे देखते हैं 3.3 वोल्ट भी है हमारा प्रजेंट। और जो हमारे 12 वोल्ट होते हैं 13.2 वोल्ट, ये भी हमारे यहाँ पे प्रजेंट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारी पिक्चर भी आ ही रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूँगा तो इसके LVDS के, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे वोल्टेज प्रजेंट हैं। ये मेरा फ्यूज है, मैं फ्यूज पे चेक करता हूँ,
तो यहाँ पे देख सकते हैं 13.2, 13.2 यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे क्या हैं, प्रजेंट हैं। तो बैक लाइट के भी प्रजेंट हैं हमारे यहाँ पे, ये दो सौ छः वोल्ट तो स्टेबल हैं ये, तो ज़्यादा फ्लैक्चुएटसन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे नज़दीक से देखें इसका जो कनेक्टर है, वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ये कनेक्टर पे। अब हम इसके बैक लाइट को खोल के देखते हैं कि बैक लाइट में हमारा क्या मसला है, क्या दिक्कत है, कोई हमारे इसमें बल्ब ख़राब हो रहे होंगे, उसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो वीडियो में बने रहे, मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ। इसको साइड में रखता हूँ। पैनल खोलने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हमारे स्क्रू हैं यहाँ पे, ये इन सबको हम चारों साइड से ओपन करके आगे का फ्रेम हटा करके उसके बाद हम इसको पैनल को खोलेंगे। तो ये खोलना ही वाला, पकड़े रहे हाथ सपोर्ट कर। इनको ऐसे पता पैनल को घूमने मत, इधर से लगा दो।
इसी डायरेक्शन में अपने इसी के ऊपर आते दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो बैकलाइट में तीन स्ट्रिपें लगी हुई हैं, एक स्ट्रिप पर हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी तीन स्ट्रिप है, 6 पट्टियाँ हमारी यहाँ पर, वो 6 एलईडी एक पट्टी में यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी कौन सी स्ट्रिप जो पूरी पट्टी है कौन सी ख़राब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ रिमूव करी है एलईडी, तो ये वाला हमारा बिलिंग कर रहा है, ये हमारा बंद है, बाकी इस लाइन में भी हमारा सब कम ग्लो कर रहा है, ये भी हमारा ग्लो कर रहा है लेकिन कम ग्लो कर रहा है। तो जो जो अब मेरी बंद है, ये भी बंद है, ये भी, तो मैं उनको यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखते रहना कि हमारा किस में कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये वाली जैसी प्रेस करी, इस वाली जो पहली पट्टी है मेरी इसमें हमारी एक ख़राब है यहाँ पर, और जो दूसरी वाली पट्टी है हमारी इसमें कोई भी ख़राब नहीं है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और जो मेरी थर्ड है जिस पर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इस पर मेरी ये पट्टी ख़राब है, और मतलब एक बल्ब ख़राब है इस वाली पट्टी का, यहाँ पर देख सकते हैं तीन फंटियाँ हैं हमारे पास, इस पर हमारी एक ख़राब है ये वाली, लेकिन इस पर कोई भी हमारी ख़राब नहीं है इस वाली बीच वाली में, इसमें भी ख़राब है, इसमें भी ख़राब है, इसमें एक ख़राब है और एक इसमें ख़राब है, यानी हमारी दोनों में एक एक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये दोनों फंडियों को यहाँ पर चेंज करेंगे, एक इसको एक इसको, क्योंकि ये वाली तो हमारी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, बाकी हम इनको यहाँ पर चेंज करेंगे। तो मैं इसको खोल लेता हूँ दोनों को, और दोनों को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, बाकी वीडियो में बने रहें। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको जो इसके ये देख सकते हैं प्लास्टिक के जो लॉक हैं पीछे से, इनको भी रिमूव करना पड़ेगा। पहले मैं इसकी पावर निकाल देता हूँ, ये मैंने पावर निकाल दी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास ये यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं, ये इन सबको हमको रिमूव करना पड़ेगा इस तरीके से। ये देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने टोटली यहाँ पर रिमूव कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये हमारी लगी हुई है, हमने ये रिमूव करनी है और ये रिमूव करनी है। तो दो को मैं यहाँ पर से देखते हैं इसका लॉक है, इसमें से निकाल लेता हूँ इसको। Thank you.
निकल चुकी है। ये मेरी निकल चुकी है। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पे दो को यहाँ पे निकाल लिया है, लेकिन ये सेंटर वाली मेरी सही है, ये ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पे चेंज करेंगे और देखते हैं इसकी सेम मैचिंग की हमें यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या फिर दूसरी है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, बाकी इसको पहले देख लेते हैं कि सेम है नहीं है, फिर मैं बाकी दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है इसकी तीनों फंटियों को यहाँ पर चेंज कराया है, और जो ऊपर का हमारा वाइट पेपर लगा हुआ है इसको हमने उस हिसाब से कट कर लिया है, क्योंकि ये सेम मैचिंग की नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं इसको कट करके यहाँ पर फिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से आप फिक्स कर लें, और बाकी मैं अब इसके कनेक्शन उसके साथ कर देता हूँ जो मेरी ये तीनों मैंने यहाँ पर चेंज करी हुई है, क्योंकि दो को चेंज करके तीसरी अगर मेरी उसमें भी लाइट थोड़ा कम जल रही थी एक दो बल्बों की, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम कर सकती थी, तो इसलिए मैंने तीनों को ही चेंज कर दिया। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट बैठाने के बाद हम यहाँ पे इसके जो भी कनेक्टर हैं उनको अब इसमें कट करके ज्वाइंट कर लेते हैं, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा किस तरीके की ग्लूनेस आ रही है। तो यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो बैकलाइट है वो ग्लो कर गई, सारी बैकलाइट की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है जैसी होनी चाहिए, और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे तीनों चेंज करी हैं, तो इक्वल यहाँ पे हमारी जो ब्राइटनेस है हर बल्ब वो इक्वल यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्राइट दे रहा है। तो काफ़ी ईजी तरीके से हमने इसको चेंज करा है। बाकी हम इसकी जो फिटिंग होती है ऊपर की, उसको हम एक एक करके जो जो हमने खोले थे इसमें उन सबको वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे जिस तरीके से हमने रिमूव किया था, और उसके बाद हम इसको फिट करके बाकी हमारी पिक्चर आ ही रही थी, बैकलाइट की प्रॉब्लम थी वो हमारी क्लियर हो जाएगी।
तो काफ़ी इजी तरीके से आप भी इस तरीके से बैकलाइट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली। बाकी इसमें हम अब ऊपर से फिटिंग करना शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहें। और मैंने इसको एक बार और ग्लो करवा दिया है कि हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्लो हो रही है, सिंपली देख सकते हैं। तो इसकी पावर ऑफ कर देता हूँ और इसको जो अलाइनमेंट है इसकी उसको हम फिट करके, और इस पेपर को देख सकते हैं इसमें हमने कट कर रखे हैं आगे साइड को, ये देख सकते हैं इधर, क्योंकि इसकी जो अलाइनमेंट थी वो मिल नहीं रही थी, बल्ब भी हमारे आगे पीछे थे, तो हमने यहाँ पे गोल सर्किल बना करके उसके बाद ब्लेड के सहायता से हमने इनके गोलाई को क्या करा है, कट करा हुआ है। ये देख सकते हैं काफ़ी आसानी से हमने यहाँ पे फिट कर रखा है। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपको फिटिंग के नहीं मिलते हैं तो पेपर को कट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। बस ज़्यादा गंदे तरीके से ना काटें ताकि थोड़ा सफाई रहे। तो मैंने देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से काट करके इसको फिट किया है। बाकी इसके लॉकों को हम यहाँ पे लगा लेते हैं और फिर इसको फिट करते हुए जाते हैं। हमारे लॉक लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो इसमें ऊपर सफ़ेद पेपर से लगे होते हैं, फिल्म लगी होती हैं, उनको हम यहाँ पर रखेंगे और इनका भी यहाँ पर अलाइनमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं कट्स बने होते हैं, इनको भी एकदम ठीक जगह पर फिट करने होते हैं, नहीं तो हमारी जो पैनल है या फिर और अपर पार्ट हैं उनको यहाँ पर बैठाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इनकी अलाइनमेंट करेंगे जो जहाँ पे इसके कट हैं फिटिंग बैठती है उस तरीके से एकदम ध्यान से करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे कट से हैं, ऐसे ही चारों साइड इसमें होते हैं, इनको हमने फिटिंग के हिसाब से बैठाना होता है। तो खोलने टाइम एकदम ध्यान रखें और उसके बाद फिट करने में भी टाइम ध्यान रखें, जल्दबाजी कहीं ना करें क्योंकि पैनल क्रैक हो जाएगा और जहाँ पैनल टूट जाता है तो उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, तो आपका वो लॉस है। तो बैठने के बाद इसके ऊपर का जो फ्रेम होता है उसको हम फिट करेंगे, क्योंकि पैनल हमारा इन जो वाइट कलर की ये हमारी फिल्में हैं या पढ़ते हैं इसके ऊपर पैनल नहीं होता है, इसके ऊपर पहले फ्रेम होता है हर एलईडी में। आप ध्यान से याद रखना कि जो वाइट कलर के पेपर हैं इसके बाद हमारा एक प्लास्टिक का फ्रेम आएगा और उसमें देख सकते हैं ऊपर साइड हमारा रबड़ का सीट लगी होगी, उसके ऊपर हमारा पैनल आता है, फिर पैनल के ऊपर हमारी पैकिंग आती है, एक और हमारा कवर कह सकते हैं वो आता है। तो ये सब लॉक सिस्टम से फंसे हुए होते हैं, तो इनको काफ़ी ध्यान से आप फंसाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे का ना लगाएं, ध्यान रखें कि किस तरीके से कौन सा आगे का था कौन सा नहीं था, या आप किसी मार्कर या स्केल की सहायता से इसमें निशान लगा लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से लॉक पर लॉक ही को फंसाते रहें। यहाँ पे हमने दोस्तों देख सकते हैं ये जो फ्रेम होता है उसको फिट कर लिया है और इस पर रखेंगे हम इसको पैनल को। काफ़ी केयरफुली रखना है, कहीं से भी साइड से कोई भी हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पे रखेंगे तो उसके बाद पैनल क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे का स्टेप बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें,
चारों साइड से देख लें कि हमारा जो स्क्रीन है वो बाहर तो नहीं जा रहा फ्रेम से, नहीं जा रहा है तो बाहर फ्रेम से, उसके बाद हम जो इसका अपर पार्ट होता है इसके बाद जो लगता है फ्रेम उसको हम यहाँ पर फिट करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा फ्रेम आ चुका है, ये इसको फिट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी डिस्प्ले अब क्लियर आ रही है। पहले जो इसमें हमारी ब्राइटनेस थी क्योंकि बैकलाइट की प्रॉब्लम थी, ग्लो तो हो रही थी, वो बहुत माइनर सी ग्लो हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्लियर हमें जो इसकी वाइटनेस है, ग्लोनेस है, वो हमारी जिस तरीके की होनी चाहिए उस तरीके की हमारी यहाँ पर डिस्प्ले शो कर रही है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैकलाइट का प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बैकलाइटों को चेंज किया जाता है और काफ़ी इजी तरीके से। बाकी मैं इसकी अब स्क्रू लगा करके इसको फिट कर देता हूँ।